महाराष्ट्र के पुणे में तेज रफ्तार पोर्श कार की चपेट में आकर दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की मौत के मामले में विपक्षी दलों ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। महाराष्ट्र में विपक्षी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले और शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने इसे लेकर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा। दोनों ही नेताओं ने कहा कि आरोपी को पुलिस स्टेशन पर पिज्जा की पेशकश की गई और इसकी जाँच होनी चाहिए। सुप्रिया सुले ने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को यह खुलासा करना चाहिए कि किसने पुणे पोर्श कार दुर्घटना मामले में पुलिस पर दबाव बनाने का प्रयास किया। सुप्रिया सुले ने कहा कि मैं देवेंद्र फडणवीस से जवाब मांग रही हूं। उन्होंने कहा कि पुलिस को राजनीतिक दबाव में नहीं आना चाहिए। पुलिस पर राजनीतिक दबाव किसने डाला? केवल सत्ता में बैठे लोग ही पुलिस पर दबाव बना सकते हैं। उस लड़के की जमानत के लिए किसने फोन किया और इतने जघन्य अपराध के बावजूद नाबालिग को जमानत कैसे मिली? किसने उस लड़के की मदद की? किसने उसे पिज्जा और बिरयानी की पेशकश की? सच्चाई सामने आनी चाहिए भैया। इस सारे का जवाब देवेंद्र जी दे ना, इस देश का राज्य के होम मिनिस्टर है ना, जवाब दे। ये इनकी जिम्मेदारी है, वो सरकार में है, उनकी सरकार है। पूना में ड्रग्स बढ़ रहे हैं, पूना में ड्रंक एंड ड्राइव हो रहा है, लोगों को 17 साल में शराब दी जा रही है। क्या कर रही है सरकार? सारी तो सत्ता उन्हीं के पास है ना, तो देवेंद्र जी जवाब दे। 200 MLA है उनके, क्या कर रही है उनकी सरकार? नहीं नहीं, यही तो मेरा सवाल है, यही तो मैं सवाल देवेंद्र जी से 2 दिन से पूछ रही हूँ। हर मीडिया से मैंने पूछा है कि देवेंद्र जी जवाब दीजिए। मैं एक माँ के नाते, एक नागरिक के नाते, एक लोक प्रतिनिधि के नाते आपको पूछ रही हूँ कि आप ही ने आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पॉलिटिकल प्रेशर, दबाव में पुलिस ना आए। आपको ये कहना पड़ रहा है, इसका मतलब कोई तो पॉलिटिकल प्रेशर आया है, और वो भी पॉलिटिकल प्रेशर कौन डाल सकता है जो सत्ता में है? तो कौन है, किसने फोन किया, किसने बेल करवाई, इसका जवाब दे। वो होम मिनिस्टर है इस राज्य के, वो नहीं मैं सर। इसका जवाब सिर्फ देवेंद्र जी दे सकते हैं, और मेरा विश्वास है कि देवेंद्र जी भी मेरी तरह एक पेरेंट है, तो एक माँ बाप की तरह हम सब की जिम्मेदारी है कि इस देश को सत्य बोल। नहीं, बिल्कुल, बुलिंग इज समथिंग। मैं हमेशा इस बारे में, हम सब ने जब शिक्षा के बारे में भी बात होती है तो पॉलिसी लेवल में इस बार में हमने बहुत बार चर्चा भी की है, पार्लियामेंट में भी की है, और जब जिस तरह ऐसे जो ग्रुप्स है जो बच्चों को बुली करते, मेरे ख्याल से हर स्कूल में इस तरह का इंटरवेंशन होना चाहिए। मैंने भी कल जो ट्वीट आपने पढ़ा, मैंने उनको फ़ोन भी किया, क्योंकि किसके बच्चे की सवाल था, तो मैंने उनके प्राजक्त जी के जो भाभी है उनको मैंने बात भी की, मैंने समझने की कोशिश की कि क्या हुआ था। तो वो न स्कूल था लेकिन एक ग्रुप था जो बाकी बच्चों को डराता था।